हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूस किचन। आज का रेसिपी व्रत की साबूदाना का खिचड़ी। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। बिना भिगो के साबूदाना का खिचड़ी बनाऊंगी जो व्रत में खा सकते हैं। तो इसके लिए कच्चा साबूदाना 1 कप लिया, 1 कच्चा आलू ऐसे स्क्वायर शेप से काट के रखा, 1 टोमेटो का काट के रखा, 2 ग्रीन चिली, 1 करी लीव्स, 2 चम्मच मूंगफली बा सिंगदाना। ये बिना रोस्टेड है, आप लोग रोस्टेड भी ले सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1/2 चम्मच जीरा, जो लोग व्रत में जीरा खाते हैं तो यूज़ कीजिए, नहीं तो स्किप कीजिए, 2 चम्मच घी। और सेम क्वांटिटी में मीन्स जो साबूदाना 1 कप लिया, 3 गुना पानी मैं यूज़ करूँगी। कुकर में साबूदाना का खिचड़ी बनाऊँगी तो इसके लिए कुकर गर्म होने के लिए रख दिया। पहले 2 चम्मच घी ऐड कर देती हूँ। जैसे ही घी गर्म हो गया, जीरा ऐड कर देती हूँ। जीरा को 1 मिनट चटकने देती हूँ। जो मूंगफली लिया वो भून के नहीं लिया, इसके लिए वो भी ऐड कर देती हूँ। और मूंगफली को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। जो कच्चा आलू लिया था वो भी ऐड कर दिया। और ऐसे ऑयल में फ्राई करके जो खिचड़ी बनाऊंगी वो बहुत ही टेस्टी बनता है। सब में करी लीव का इसे तोड़ के ऐड कर देती हूँ, इसलिए बार बहुत ही अच्छा आता है। हल्का सा जैसे आलू फ्राई हो गया इसमें ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली और टोमेटो। आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अभी ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, ब्लैक पेपर, मिक्स कर लेती हूँ और साबूदाना को भी ऐड कर देती हूँ। साबूदाना को भी 1 मिनट अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और घी में फ्राई कर लेती हूँ। अभी ऐड करूँगी 3 गुना पानी। इसमें 3 गुना पानी ऐड कर देती हूँ। 1 कप साबूदाना लिया तो माफ करके 3 कप पानी ऐड कर दिया। और लीड लगा के 2 सीटी से बॉईल कर लूँगी तो साबूदाना का खिचड़ी बन के रेडी हो जाएगा। आप लोग को लग रहा है पतला, बट जब ही बॉईल हो जाएगा सिटी के साथ सही कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अभी लीड लगा लेती हूँ, अभी 2 सीटी से बॉईल कर लेती हूँ। 2 सीटी होने के बाद मैं बंद करके रख दिया था। बहुत ही अच्छा खिचड़ी बना है, देखिए कितना लिक्विडी लग रहा था, पानी पानी। अभी बहुत ही अच्छा साबूदाना का खिचड़ी इंस्टेंट बन जाता है बिना भिगो के। तो अभी सर्व कर लेती हूँ। टेस्टी हेल्दी व्रत की साबूदाना का खिचड़ी बन के रेडी हो गया। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बिना भिगो के बहुत ही टेस्टी साबूदाना का खिचड़ी बना है। बल जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे से शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।